हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ माइनिंग सरदार का जो SECL का जो एग्ज़ाम को लेकर जो SECL के द्वारा जो नोटिस है उसको लेकर डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो माइनिंग सरदार SECL का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है उसको लेकर डिस्कस करूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि ये जो कल का जो नोटिस है, ये कल का नोटिस में क्या इसमें लिखा हुआ है। ये नोटिस में लिखा हुआ है कि जो आपका 30 जनवरी 2023 को जो वैकेंसी निकला हुआ था, इसका एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम 1/6/2023 को पोस्टपोन हो जाता है। उस दिन एक नोटिस आता है कि एग्ज़ाम किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है फर्दर डेट तक। अब क्या होता है कि बहुत कोई कैंडिडेट कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या अगले महीना होगा, इसको लेकर बहुत सारे दुविधा में थे। अंततः अभी आप लोगों का कल ये नोटिस आपको SECL के द्वारा दिया गया, जिसमें एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या लिखा गया इसको लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम जो OMR सीट पर जो हो रही थी अभी तक SECL का, वो अब CBT मोड पे होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। मतलब कंप्यूटर पर बैठकर आपका क्वेश्चन दिखेगा, उसमें आपको चार ऑप्शन में से फिर आपको आंसर टिक आउट करना है, ये मोड रहेगा। इससे पहले OMR सीट पर होती थी। अगला लिखा हुआ है कि जो कोई भी CBT टेस्ट के लिए यदि फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए एक मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट को। SECL के साइट पर जाकर आप उसका साइट पर मॉक टेस्ट देकर आप CBT एग्ज़ाम के लिए फेमिलियर हो सकते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था। CBT के लिए यदि आप फेमिलियर होना चाहते हैं, तो उसके मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको एक लिंक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट का लिंक। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि SECL के वेबसाइट पर एक लिंक दिया जाएगा, और जैसे ही ये लिंक आपका जनरेट होगा, मतलब एक्टिव होगा, तब आपको जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है, जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए थे ऑनलाइन के माध्यम से, जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज़ किए थे, उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको लिंक प्रोवाइड स्पेशली किया जाएगा। यदि आप SECL की वेबसाइट पर जाकर नहीं करते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दिया जाएगा। आप जाकर उस लिंक के थ्रू अपना फोटो और साइन को आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ इसमें क्या लिखा हुआ है कि फोटो और आपका सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है उस लिंक पे जाके। अगला लिखा हुआ है क्या कि ये जो लिंक आपका जब जनरेट होगा, तो ये फोटो और साइन अपलोड करने का डेट कब से और कब से लास्ट डेट है, मतलब कब तक। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये 22/12/2023 10 बजे से, ये कल से ही स्टार्ट है। अंतिम आपका 31 दिसंबर रात के 11:59 तक ये चलेगा। इसके बाद फिर आप फोटो या साइन यदि आप अपलोड नहीं कर रहे रहेंगे, तो फिर आप अपलोड नहीं कर पाइएगा। यहाँ तक आपने समझा। आगे हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या चीज़ लिखा हुआ है। इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन के समय जो आप यूज़ किए थे उसके थ्रू भी आपको लिंक दिया जाएगा, ये समझे। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे, तब इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि यदि आप SC कैंडिडेट या ST OBC या EWS या अनरिजर्व से यदि आप भरे हुए हैं, तो आपको उस जगह पर जाकर आपको टिक आउट कर देना है जब आपका लिंक ओपन होगा तब। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप कैटेगरी से भरे हुए हैं, तो अनरिजर्व में भी भरे, तो आपको अनरिजर्व टिक आउट करना है, ये आप समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का असुविधा ना हो, इसके लिए SECL के द्वारा एग्ज़ाम के रिलेटेड एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका पाँचवा पॉइंट था, ये समझिए। छठा पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि जो भी इम्प्लॉयमेंट नोटिस के में जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे थे, तो उस समय ऑनलाइन के समय जो भी आप ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर उस समय यूज़ किए थे, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यूज़ करना है। यदि आपका डीएक्टिवेट हो गया है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आपको वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना है, जैसा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के समय ही बता दिया गया था। और लास्ट पॉइंट, ये तो ये था लास्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम का डेट होगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट SECL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको बहुत जल्द ही आपको पब्लिश किया जाएगा। ये तो आपने जाना कि कल का नोटिस में क्या आया हुआ है SECL के द्वारा। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, याद रखिए, चीफ मैनेजर पर्सनल के द्वारा, देखिए सिग्नेचर भी है SECL का, उसके द्वारा ये नोटिस को दिया गया, और बहुत जल्द एग्जाम होने वाली। अब मैं आप लोगों के साथ SECL का जो मानी सरदार का जो वैकेंसी है उसमें सिलेबस क्या है उसको लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT एग्ज़ाम में,
टोटल क्वेश्चंस का जो नंबर रहेगा 100 रहेगा, समय दिया जाएगा आपको 120 मिनट, मतलब 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ये आपने समझा, 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से आपका जो 80 क्वेश्चंस है, जो आपका 80 क्वेश्चंस है वो आपका माइनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन, और जो आपका 10 क्वेश्चन है वो आपका जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस से, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपका SECL, CIL और आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 और 10 20 और आपका माइनिंग से 80। माइनिंग से जो 80 क्वेश्चंस रहेंगे वो किस किस टॉपिक से रहेंगे उसको लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो कोल माइंस रेगुलेशन, माइंस एक्ट और माइंस रूल में जो डेफिनेशन दिया गया उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल, रेगुलेशन में लिखा हुआ है शॉर्ट फायरर सरदार एंड ओवरमैन, इतना का ही देखना है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक दो और आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन एक सेफ साइड के लिए आप देख सकते हैं। अगला क्या है, डिफरेंट टाइप्स के माइंड प्लान्स से रिलेटेड आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा डीप आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े से पिछले समय के मुकाबले थोड़े से लेवल हाई रहेंगे। अगला क्या है, शाफ्ट के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे, हॉलेज रोडवे, ट्रैवलिंग रोडवे और कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे से क्वेश्चंस रहेंगे। ये तीनों से जो आपको बताएं, कन्वेयर बेल्ट, हॉलेज रोडवे और आपका ट्रैवलिंग रोडवे से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, डेवलपमेंट एंड डिक्लेयरिंग से रहेंगे, और बोर्ड एंड पिलर के अलावा यदि किसी मेथड से आप यदि कोयला को निकाल रहे हैं तो उससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जो भी मेथड है। सपोर्ट का विड्रॉवल एंड सपोर्ट का सेटिंग, ये दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, रेगुलेशन में आप देखे होंगे, लेकिन सिर्फ रेगुलेशन से रहेंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डीप जाएगा। आगे बताना चाहता हूँ, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग से आपका विशेष क्वेश्चन रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको समझिएगा, आपका फायर, गैस, डस्ट एंड वाटर, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड फ्लेम सेफ्टी लैम्प, याद रखिए फायर, गैस, डस्ट एंड लेटर जो आपका वाटर है वो तो माइंस के लिए बहुत एक हैजार्ड चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है और क्या क्या प्रोविजन है सर्कुलर में, ये विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। वेंटिलेशन सिस्टम, लाइटिंग अरेंजमेंट और फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लेकर क्वेश्चन रहेंगे, इस पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि नंबर तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगला टॉपिक पे ध्यान रहते हैं, क्या है, फेंसिंग एंड गेट्स को लेकर क्वेश्चन रहेगा, जनरल सेफ्टी, जो भी माइंस में इंप्लॉय है उनको क्या जनरल सेफ्टी इंश्योर करना है उससे क्वेश्चन रहेंगे। पीपीज, हेलमेट, जूता, जैकेट, ईयर मफ, ये सारा चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास्क वगैरह, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, क्वेश्चन तो 110% रहेगा। आगे बात करता हूँ, अगला क्या है, ये तो रह गए कि 80 क्वेश्चंस में कुछ कुछ टॉपिक के बारे में, और कुछ टॉपिक है जो आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला हो गया आपका फर्स्ट एड, माइनिंग का ही है, आपका टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट एंड यूज इन माइंस, उसमें भी आपका एक्सप्लोसिव शॉर्ट फायरिंग वगैरह भी था, छूट गया है, उसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के बारे में, पिट सेफ्टी कमेटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर, माइंस रेस्क्यू रूल, प्रोविजन रिलेटेड टू HMM यूज इन ओपन कास्ट माइंस, मतलब ओपन कास्ट माइंस मशीनरी के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर और ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में हमारे चैनल में मिल जाएंगे, संतोष क्लासेस में आप जाकर देखिएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको एक सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएगा, और एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ भी है। एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई माइंस रेस्क्यू रूल का एक हमारे एप्लीकेशन पे, विद्या एप्लीकेशन पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपका माइंस रेस्क्यू रूल है उसका एकदम बहुत ही कम फी पर कंप्लीट माइंस रेस्क्यू रूल का थ्योरी एंड उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके वो मैंने सारा चीज़ का एक जगह पे रिकॉर्डेड वीडियोस को अपलोड कर दिया है। यदि कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम फी पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। और क्या है इसमें दिया गया है कि जो 10 और 10 जो 20 नंबर है आपको ये बता चुका हूँ, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद CIL, SECL और आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये रह गया टोटल आपका 100 मार्क्स का, ये पूरा सिलेबस क्या है इसके बारे में आपने जाना। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यदि आप बहुत ही कम समय में एक क्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्स स्टार्ट हो चुकी है लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, कोई भी आपको डाउट सेशन है उसको लेकर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन मिल जाएगा, ये टोटल टॉपिक्स को लेकर।
एक एकदम कम्पैक्ट बैच चल रहा है। यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या फिर क्लास करनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7319825794। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फर्दर क्लास के रिलेटेड, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा अगले क्लास में, और बाकी आपको स्क्रीन पे आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दिया हूँ, यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फी में, और एग्ज़ाम का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इस सेशन में इतना ही, अगले क्लास में आप लोगों के साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।